चिल्लाता क्यों है गा फिर भाई? भाई ये क्या हो गया? Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो अभी guys कुनाली स्कूल से आ गया है और अभी हम वेट कर रहे हैं पीयूष का, बिकॉज अभी हमको अनबॉक्स करना है एक पार्सल. पता नहीं किसने भेजा ये, अभी अभी जैसे हमने रिसीव किया ये. तो चलो ये पीयूष आएगा स्कूल से, उसके बाद फिर सारे चारों भाई मिलकर हम इसको अनबॉक्स करेंगे, देखते हैं. तो अभी गाइस हमारा ओरियो आ चुका है यहाँ पे. ओरियो की मुझे बहुत याद आ रही थी जब मैं मुंबई गया था ना, लेकिन ये तो मुझे भाव ही नहीं देता. पता नहीं क्या हो गया इसको, क्यों नहीं भाव क्यों देता मुझे, क्या हुआ? हेलो हेलो, ये देखो पूरे बाल बाल कर दिए. अरे बालों के लिए मैंने कुछ मंगवाया है, जो मेरे रूम में ना एक बॉक्स पड़ा होगा, लेके आओ. मेरे रूम में बॉक्स पड़ा होगा टेबल पे, जाओ लेके आओ. हाँ ध्यान से ध्यान से निकल गए ना बाल. देखो कपड़े साफ करने के लिए भी है. ये देखो सारी डस्ट इसमें लग गई है, ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना. फाइनली पीयूष भी आ गया. अरे जो टीवी लग रहा है मेरे को, वो वाला पुराना वाला टीवी लग रहा है. तो इसमें से एक लेटर निकला है, शुभम शर्मा ने भेजा है. इट इज जस्ट अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, विशिंग यू एंड योर फैमिली ऑल द हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ. थैंक यू सो मच शुभम शर्मा. तो अब हमारे घर में जो भी गेस्ट आएंगे ना, उनको इस पे बिठाएंगे. तो गाइस तीन जने तो आराम से बैठ सकते हैं इसमें. देखो तीन जने, कोई भी अगर हमारे घर में तीन गेस्ट आएंगे ना, उनको बिठा देंगे जरूर. सही है भाई, थैंक यू सो मच. गाइस बच गया है, खोलने के लिए ऐसे चाकू मार रहे थे इसमें. खराब हो जाता है, फूट जाता. अभी यहाँ पर रहेगा, जो हमारे गेस्ट आएंगे यहाँ बिठाएंगे उनको. तो अब बारी एक और पार्सल की. एक और पार्सल आया हुआ है, तो इसको भी अनबॉक्स करते हैं. ये भेजा है अमर सोनी ने, थैंक यू अमर सोनी. देखते हैं इसमें क्या है. अरे पार्सल के अंदर एक और पार्सल, एक लेटर है. हेलो सौरभ भाई, आई एम ए ट्रू फ्रेंड ऑफ द फैमिली एंड स्पेशली यू. आई जस्ट वॉच यू एवरी डे. बैठ गया भाई, बहुत तगड़ी पैकिंग है. अच्छा ये वो है, समझ गया मैं. ये तो पेड़ है, अभी जलाएंगे इसको. पहले छोटा वाला अनबॉक्स करते हैं. तो इसमें दो बॉक्स निकले हैं, देखो एक बॉक्स ये रहा एक ये रहा. भाई बहुत तगड़ी पैकिंग कर रखी है हर चीज की. इसके अंदर ही बॉक्स है भाई, बॉक्स ही बॉक्स है. और ये सबके लिए किचन है. अच्छा हरिंदर पापा जी के लिए. ये देखो यूट्यूब का, यूट्यूब नंबर वन. ओ बड़ी मम्मी के लिए एच हेमा. एस फॉर साहिल, एस फॉर सौरव. कुनाली नहीं आया. रोता क्यों है गा फिर भाई? भाई ये क्या हो गया? वो कैसे कुनाली तो है, वो जो के वाला खाली कह रहे थे कुनाली, कैसे कुनाली भाई ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कैसे जो खाली कहते कुनाली कैसे के आया ही नहीं के नहीं जा रहा इससे. ये इतना गुस्सा वहां क्यों हो गया? अरे तो था ही नहीं उसमें, मैं क्या करूं के कुनाली. अरे कुनाली के लोग कुछ नहीं आया, चिढ़ गया और ज्यादा. तो मैं क्या करूं, अब नहीं है तो चिढ़ाते उसको. अब मेरी क्या गलती है इसमें भाई? भाई मैंने मार भी खाली फालतू में. चलो लास्ट बॉक्स इसमें है, जब इसमें है कुनाली आपके लिए भी है. इधर आओ, मिल गया. वो भाई फंगस लग गया इसमें तो. कुनाली आपके लिए, कुनाली के लिए, कुनाली सरप्राइज देगी, सरप्राइज देगी कुनाली आपके लिए. तो अभी मैं आ गया हूँ कुनाली को मनाने के लिए. कुनाली बेचारा रो रहा है. कुनाली कुछ नहीं होता आपके लिए भी, मेरी बात तो सुनो. आपके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट चीज है. कुनाली के लिए मेरे पास देखो कौन सी चॉकलेट है, जापानी चॉकलेट, जो कि सकुरा वाले ने मुझे जापान से ला के दी थी. ये जापान से आई है, ठीक है? ये सिर्फ आपके लिए है, किसी को नहीं मत देना. इसको अनबॉक्स आप करोगे. लो आओ, मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं की, कुनाली से अनबॉक्स कराएंगे. चलो ये देखो कितनी प्रीमियम चॉकलेट है ना, प्रीमियम. खा के बताओ कैसी है. ले साहिल, कुनाली ले लूं मैं, ले लूं. आप बताओ और किस 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 किसको देनी है, और किसको देनी है, और जिसको जिस जिसको देनी है आप दे दो, खुद ही दे दो. दे दी पीयूष को भी दे दी. ट्राई करते कैसी है. गोल है भाई, भाई अलग ही चॉकलेट है, पिघल के मुंह में जाती, मस्त एकदम. फाइनली कुनाली शांत हुआ. आपको जिसको मन है दे देना, ठीक है? ये आपकी होगी पूरी, ठीक है? ये लो सब आपके. ये
और भी आया कुनाली को चुप कराने देखो। तो फाइनली गाइस सारी अनबॉक्सिंग्स हो चुकी हैं। देखो भाई कितना कूड़ा कूड़ा हो गया यहाँ पे सारा, इधर 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 उठाओ कूड़ा। तो अब गाइस चलो इसको जला के देखते हैं कैसे जलता है। मेरे रूम में तेरे मेरे रूम में तो इसको लगाते हैं प्ले बटन के बीच में। लगाइए बीच में एक बार, लगाइए एक बार बीच में नहीं, हाँ यहाँ पे। अरे हाँ यहाँ से ही लग रहा है, दिखाइए एक बार, दिखा जला के देखते हैं। नीचे वाला तार दे दे, मुझे तार दे दे बस। अरे नहीं करंट नहीं लगता, करंट नहीं लगता यार। हैं अरे नहीं लगता करंट यार, इतना मस्त लग रहा है देखो। तो अभी हमने रूम की सारी लाइट बंद कर रखी है, दिखा लाइट कैसी है पीछे, दिखा लाइट दिखा। अच्छा तो ऐसी लाइट है इसमें। तो पापा जी ने कील ठोक दिया, लेकिन यार वायर लटक रही है इसकी तो। और गाइस साथ में हम लगा रहे हैं सोलोसी आर्ट्स वाला, ये मेरे फ्रेंड ने दिया था ना, लेकिन तार लटक रही है भाई दोनों की। दादाजी ये जापानीज चॉकलेट है, रैपर के तब। अच्छा धन्यवाद। अंडा होता है ना इसके अंदर, हैं क्या होता है? हैं नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। सो गाइस अब लगाएंगे मेरे को नेबुलाइजर। कल तो बड़ा रो रहा था इसके लिए। कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कल क्यों रो रहे थे, हम इतना समझाया, हमारे समझाया हुआ भी नहीं आया ना समझ में। नाटक था वो बस। ओ कह रहे नाटक था। नाटक क्यों था, नाटक नहीं होना चाहिए ना फिर। क्या धक धक हुई, धक धक हुई मेरे को, धक मेरे को भी कोई काम नहीं करने दे रहे। कौन सा काम करना है आपको? ये दवाई जा रही है इसके अंदर, ये दवाई का भाप लेना आपको, ठीक है? आराम आराम चलो, आराम आराम से सांस लो, ज्यादा तेज भी नहीं। क्या हुआ पापा? थोड़ा सा बंद, थोड़ा सा चलना, ऐसे करना पड़ता है ना फिर। क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसे नाक से करना पड़ता है यार, को मुंह ऐसे नहीं करता यार, कुछ जाता है अजीब सा। अच्छा कुछ जाता है अजीब सा, अजीब सा नहीं होता, दवाई होता है वो। ऐसे मुंह से करो एक बार। तो गाइस फिलहाल लंच करते हैं। लंच मैंने आज दाल चावल, देखो कितने मस्त लग रहे हैं। तो खाना तो आ गया, फिलहाल चाय पीते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पुराने ब्लॉग, एक साल पहले का ब्लॉग। तो अभी गाइस हम चारों भाई जा रहे हैं डोलने के लिए थार लेके, बहुत दिन हो गए था। मैं थार चलाने का बहुत मन कर लेकिन मैं चला ही नहीं पाता। मैं कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कोई इवेंट में, कभी मैं जब मैंने थार ली थी मैं सोचा कि मैं उसको लेकर निकल जाऊंगा, बस थार चलाते रहेंगे मस्त, लेकिन टाइम ही नहीं मिला थार चलाने को। बेचारी खड़ी है, ये बैग भी वापस करना है निर्मल भैया का, और मेरे को भी लेना है ऐसा एक बैग। मेरे पास जो बैग है ना वो काफ़ी बड़ा है। तो फाइनली अपनी थार में बैठ चुके हैं, तो अब निर्मल भैया से मिलते हैं। निर्मल भैया के शोरूम आ गया। हेलो भाई। बाय कुनाली। बाय। बाय। बैठो जल्दी बैठो। तो अब हम मार्केट जा रहे हैं। तो अभी गाइस हम पहाड़ पे आ गए हैं और शीशे खोल रहे हैं, मस्त पहाड़ की हवा खा रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे पहाड़ की हवा नहीं खाई थी। तो अभी गाइस हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे थार खड़ी है और यहाँ देखो पूरा जंगल जंगल है चारों साइड। प्लान बनाओ किसी दिन आएंगे अच्छे से, ये सब कुछ साफ करके जाएंगे। क्या यार मतलब क्यों करते हैं लोग यार, देखना कितना ज्यादा गंदा कर रखा है भाई जंगल। अरे और लोगों को भी उठा बुला लेंगे साथ में, पार्टी वार्टी करे, बहुत लोगों को बुलाएंगे। क्या हुआ? गिर गया? गिरते गिरते बचा है। गए जी देखो हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे कोयले मिले, आग जली हुई यहाँ पे, पता नहीं किसने जलाई है। हाथ सेकने के लिए सही है, पहलवानी से हाथ सेकने के लिए आ रही है। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से। आपके मैं सही बताऊँ आप नहीं आते, इत्तेफाक वाली बात है, आप आगे मैं क्रिसमस में भी आता अभी और आऊंगा भी शायद। स्पेशली मैंने केक बना रखा है आपको, मैं पहले बता दे रहा हूँ देने आऊंगा। तो गाइस ये वाला बैग मुझे पसंद आया बिकॉज इसमें देखो, चलो ये वाला ले लेते हैं। ये कितने का है? सोसाइटी पहुंच गए। कुनाली बोलो जय माता रानी, जय माता। ये बैग लिया मैंने, कैसा लग रहा है? सही है। तो अब गाइस फिलहाल डिनर करते हैं, सभी आ चुके हैं यहाँ पे। क्या बना आज? आलू मटर और रोटी। खाना फिनिश, तो फिलहाल दवाई खाता हूँ बिकॉज बहुत सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो जल्दी से मुझे ठीक होना है। तो भी गाइस एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस। आप भी थोड़ी हवा खा लो, आई हवा पीसी, तो अपनी हवा मत खिलाइयो हमको यार। कहीं पता लग रहा है हम आए यहाँ पे नेचुरल हवा खाने, पीस अपनी हवा खिला रहे हैं यहाँ।